आदिवासी व्यापार मंत्री भाव दायित्व ग्रहण करथिबा केन्द्रमंत्री जुएल ओराम आज तांकर कार्यभार ग्रहण करुछंती। मोदी सरकार तृतीय पाळी रे आदिवासी व्यापार मंत्री भाव एक गुरु दायित्व बहन करिछंती जुएल ओराम एवं आज थारु कार्यभार हाथ को नेइछंती। ये चित्र आप देखिपे जुएल ओराम रही आज निजर कार्यभार हाथ को नहीं नूतन भाव आदिवासी व्यापार मंत्री भाव एक गुरु दायित्व बहन कर कार्यभार से हाथ को नहीं ये चित्र आपन स्क्रीन रे देखि पर्थबे। प्रथमे जो भल भाबे कहा जाए कि शुभ काम आरंभ पूर्वरु विघ्न विनाशन प्रभु श्री गजानन को पूजा करा जाए थाए। ठीक से ही भली भारतीय संस्कृति भारतीय परंपरा अनुसार महाप्रभु बा गजानन को पूजा करी निजर कार्यभार आज निज हाथ को नहीं जुएल ओराम। अधिक आलोचना सीधा सड़क आम आपन को दिल्ली नहीं जाऊँ से आम सहित दिल्ली ब्यूरो हेड गगन विश्वाल आम सहित जोड़ी होती। गगन आज नूतन भाव आदिवासी व्यापार मंत्री भाव कार्यभार हाथ को नहीं जुएल ओराम। मंत्रालय दायित्व बर्तन ओडिया पुणी जड़े ओडिया पुं को मिली पूर्व से दायित्व रही सारी आप देखिए 2014 जितने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रथम पाड़ी गवर्नमेंट होता से समय दायित्व मिली और लगातार 5 वर्ष सी कंटिन्यू करते 2014 2019 मसीहा पर्यंत जुएल ओराम दायित्व थे। से भाव जो मंत्रालय गठन होता है मिले थी बाजपेयी सरकार से जो 1999 प्रस्ताव पारित होता जो आदिवासी मंत्रालय गठन करने से जुएल ओराम भाई बड़ लोकतंत्र ही देखा और 1999 बाजपेयी प्रथम जो मंत्रालय सृष्टि होता से ही सुजोग देते 1999 13-10-1999 मसीह मंत्रालय दायित्व नहीं थे और 22-5-2004 पर्यंत से मंत्रालय दायित्व थे। 2014 जो पुणी तार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार आसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन ना कौटी मन पकड़े और दायित्व जाता 2019 अर्जुन मुंडा ये दायित्व थे तेणु 2024 बर्तमान पुणी थे ये दायित्व मिली चित्र बर्तमान प्रतिक्रिया नापी चेस्टा करू जुएल ओराम किसी प्रतिक्रिया रखे निश्चित भाव राज्य बड़ कथा कहीं एभली मंत्रालय मिलवा राज्य आम देखिए ओडिशा रे अनेक आदिवासी जिला रही मयूरभंज कथा कहतु मालकानगिरी कहतु कोरापुट रायगढ़ नवरंगपुर एमती अनेक जिला रही जो अधिकांश संख्या आदिवासी रही पॉपुलेशन मानने आप कंपेयर करेंगे फुल्ली आदिवासी जिला अनेक गुड़े रही तेणु निश्चित भाव यार गोटे बड़ इंपैक्ट राज्य जो जनजाति मानते से यार फायदा पापर और से नहीं कार्य करेंगे। देखिए दुईट बड़ योजना रही बंगबंधु स्कीम एवं एकलव्य पहले मैं भगवान जगन्नाथ जी को और यहाँ दिल्ली का सभी देवादेवती देवी को प्रणाम करता हूँ। मैं तीसरा बार भारत सरकार का जनजाति कार्य मंत्रालय मेरे को दायित्व मिला है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये दायित्व दिया है तो उनके लिए मैं उनको पहले आभार व्यक्त करता हूँ। ये मंत्रालय 1999 में जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बना उसके बाद ये मंत्रालय का गठन हुआ। पहला मंत्री के रूप में मैं इसी सीट में दायित्व लिया था और काम किया था। फिर दूसरी बार मैं भाई नरेंद्र मोदी जी के साथ प्रधानमंत्री जी के साथ फिर दूसरा बार काम किया। ये मेरा तीसरा बार है। जनजाति मंत्रालय पहले होम मिनिस्ट्री में था एक सेक्शन के रूप में, फिर वेलफेयर मिनिस्ट्री बना, फिर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का एक डिवीजन था दैट इज कॉल्ड टीडी डिवीजन, उसको अलग से निकाल के फुल फ्लेज
कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में मेरे को काम करने का मौका मिला। और उस समय में मैंने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, जो कि SC ST कमीशन था, उसमें से अलग करके बनाया हम लोग, और नेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ट्राइबल का भी बनाया, ट्राइफेड का भी रिस्ट्रक्चरिंग किया, और रिसर्च जो हमारा है उसको भी हम लोग अलग से किया। ऐसा तो हमारा सरकार का ये ट्राइबल मिनिस्ट्री को हैंडल करना ये चौथा बार है, इससे पहले मेरे साथी अर्जुन मुंडा जी इसको देख चुके हैं। तो यहाँ बहुत सारे स्कीम जो पुराना था उसको हम लोग को मिला के नया स्कीम में भी कन्वर्ट किया है, और कुछ नया स्कीम भी जोड़ा है। आज का दिन में ट्राइबल एरिया का सबसे बड़ा समस्या है वो एजुकेशन है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को। मैं जब दूसरा बार दायित्व लिया था तो उस समय में उनको मिलने गया था साउथ ब्लॉक में, तो वो बोले कि तुम्हारा अगर एक डिमांड तुम करोगे ट्राइबल के लिए क्या होना चाहिए तो उसको बताओ। तो मैंने बोला एजुकेशन, तो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल तो अटल बिहारी वाजपेयी का समय से 100 हम लोग को सेंक्शन मिला था, हम लोग उसमें से 84 कर पाए थे, और उसके बाद निरंतर ये प्रोग्राम चलता रहा है। आज केंद्रीय विद्यालय के बाद केंद्रीय विद्यालय से भी शायद हम लोग आगे निकल सकते हैं, इतना बड़ा एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर और एक नेटवर्क ट्राइबल एरिया में खड़ा हो रहा है, ये सबसे प्रायोरिटी काम है हमारा। दूसरा प्रायोरिटी है कि हेल्थ सेक्टर में भी ट्राइबल काफ़ी दिक्कत उनको जाता है, उसको करेंगे। फिर हमारा तो बाकी डेवलपमेंट बाकी लोगों के साथ मिल के इरीगेशन में है, इलेक्ट्रिफिकेशन तो काफ़ी हो चुका है, लेकिन फिर भी और जो बाकी है उसमें सोलार में हम लोग जाके उसको कवर करेंगे। आपका कम्युनिकेशन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कारण बहुत सारे गांव जुड़ गया है, लेकिन फिर भी इसमें से आर्टिकल 275(1) में से हम स्पेशल ग्रांट दे के भी बहुत सारे पुल पुलिया हम लोग बनाते हैं, इरीगेशन का फैसिलिटी भी बनाते हैं। ये सब निरंतर चलेगा जो चल रहा था, और आगे उसको भी मेरे को चलाना है सरकार का। ये 10 साल का ऑलरेडी हम लोग काम कर चुके हैं मोदी जी का नेतृत्व में, ये तीसरा बार हम लोग दायित्व ले रहे हैं, तो इसलिए नया स्कीम जो आवश्यक होगा, अभी तो मैं आज चार्ज ले रहा हूँ मंत्रालय का, लोगों के साथ सेक्रेटरी और बाकी सब हमारा MOS आएंगे, हम सोमवार को प्रेजेंटेशन लेंगे। प्रेजेंटेशन लेने के बाद सोमवार या मंगलवार, सोमवार छुट्टी है तो मंगलवार लेंगे, उसके बाद फिर मैं प्रायोरिटी में फिर आपको बताऊंगा। लेकिन आज के दिन में तो जो पुराना कंटिन्यूटी जो चल रहा है उसमें से सबसे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल सबसे प्रायोरिटी हमारा काम है। जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।